और टीम में भी कुछ इसी तरह का कॉन्फिडेंस अब दिखने लगा है। और महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लड़ाई फ्लो टेस्ट तक आ चुकी है। महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो फ्लो टेस्ट तक पहुंच चुकी है। शिंदे राज्यपाल से फ्लो टेस्ट की मांग करेंगे, ये बड़ा सवाल। और हमारे सहयोगी अमित और रंजीता इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ है, जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं रंजीता का, क्योंकि आज फ्लो टेस्ट की बात सामने आ सकती है। रंजीता, क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे मूव कर सकते हैं गवर्नर से मिलकर, ये मांग रखी जा सकती है फ्लो टेस्ट की? श्वेता देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जिस तरह से शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई है वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और उसमें जो दलील दी गई उसके बाद ये साफ दिख रहा था कि अब जो 11 जुलाई तक की तारीख दी गई है अगले बहस के लिए और फैसले के लिए, उससे पहले जो इतना लंबा समय है, इतने लंबे समय में आखिर महाराष्ट्र में होगा क्या? ऐसे में जो राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत विकल्प यह है कि राज्यपाल के पास कोई भी पार्टी जाए, चाहे वो बीजेपी हो सकती है, वो शिंदे गुट हो सकता है या उद्धव गुट खुद, कि वो फ्लो टेस्ट की मांग जो की जाए कि बहुमत नहीं है जो सरकार है उसके पास, और उसमें सबसे कंफर्टेबल स्थिति में शिंदे गुट है, क्योंकि दो तिहाई बहुमत की बात, दो तिहाई विधायकों की बात जो है वो शिंदे गुट कर रहा है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें ये कि जो बीजेपी है वो आगे बढ़कर इस तमाम राजनीति में नहीं दिखना चाहती। कल जब देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उस दौरान भी जो विधायक वहां पहुंचे हुए थे उनमें से एक विधायक का ये साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है, वहीं दूसरी पार्टियां इसे किस तरह से लेगी वो देखने वाली बात है। तो ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट की मांग अगले 1 से 2 दिनों में हो सकती है।